नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस नए वीडियो में सभी का स्वागत है। हर बार इस बार भी एक नया वीडियो सभी के सामने आ गया है। फ्रेंड्स, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं राजघाट और यहां पे एक नया घाट बना हुआ है जो कि 80 घाट से भी तेज़ी से फेमस हो रहा है, यानी कि 80 घाट से भी पॉपुलर होने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि हम इस समय राजघाट के ठीक बगल में खिरकिया घाट यानी नमो घाट के नाम से जाना जाने वाला इस घाट पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 35 करोड़ की लागत से बनवाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अभी ब्रिज के नीचे हूँ और यहीं पे इसी से सटा हुआ एक ब्रिज पास हुआ है जो कि 6 लेन होगा। आप सभी को बता दें, पड़ाव से लेकर गुजना मोड़ तक प्रस्तावित हुआ है, लगभग 20 करोड़ रुपये पास कर दिए गए हैं, जो कि 6 लेन वहां पे बन रहा है और यहां पे एक ब्रिज जाएगा जो कि उसे जोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जल्द ही काशी रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा, इसी के ठीक बगल से यहां से एक ब्रिज जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है ये डफरिन ब्रिज, मालवीय सेतु और राजघाट का पुल इसे नाम दिया गया है जो कि हिल रहा है, तो काफ़ी ज़रूरी है इसे बनाना। तो आइए चलते हैं, बैकग्राउंड दिखाते हैं सभी को, लाते बुले बने चले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने देख सकते हैं, इस पे से जब गाड़ियां जाती हैं, ट्रेन जाता है, तो ये ब्रिज हिलने लग जाता है और इसके जो समय अवधि है यानी 100 साल से 150 साल दिया गया था वो कम्प्लीट हो चुका है। तो इसी के बगल से फ्रेंड्स ब्रिज जाएगा और काफ़ी ज़रूरी हो गया है ब्रिज बनाना। नहीं बनेगा तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं हो सकता काशी में, क्योंकि चंदौली को जोड़ने के लिए एकमात्र ब्रिज यही है। अब आगे भी एक ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसे केबल ब्रिज बनाया जा रहा है, वो 4 लेन होगा। तो ये है खिरकिया घाट। यहाँ पे ट्रेन जा रहा है, आप सभी देख सकते हैं, और ये ब्रिज पूरी तरीके से हिलता है, तो काफ़ी ज़रूरी है बनाना। और ये नीचे देख सकते हैं, ये बोट राइडिंग के लिए बनाया गया, जिससे गंगा जी के पानी इसमें डालकर, वो सामने बोट है, बच्चों को 50 रुपये लेकर इसमें बोट राइडिंग सिखाया जाता है, कराया जाता है। ऐसे ही तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं, रेलगाड़ी है और जंपिंग बंगी जंपिंग है जो कि सत्वा एंटरप्राइजेज़ की तरफ से लगाया गया है, तो इस पर ऊपर नीचे होता है फ्रेंड्स जंप। और ये सामने देख सकते हैं, ये अभी ट्रेन नहीं चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर रोक भी साथ लगाया गया है, क्योंकि G20 सम्मेलन है, लगभग 20 देशों से यहाँ पे लोग आएंगे काशी को निहारने के लिए, आ ही चुके हैं। और ये देख सकते हैं बस है, किड्स बस, और ये सब अभी भी नहीं बना है, अभी भी बहुत काम बाकी है सच पूछिए तो, जो कि धीरे धीरे कराया जा रहा है। फ्रेंड्स, तीन हाथों वाला ये स्केपलर जो बनाया गया है ये काफ़ी नामी हो चुका है, यानी 80 घाट को भी लगभग मात दे रहा है। यहाँ पे अब कमी है तो बस गंगा आरती की, बाकी सब चीज़ उपलब्ध है। यहाँ पे जो दुकानें थी लगी थी उससे हटा दिया गया है, यहाँ से यहाँ पे दुकानें भी काफ़ी लगी थी, तो देख सकते हैं ये है ओपन एयर थिएटर, और ऊपर जाएंगे तो कैंटीन बनाया गया है जहाँ पे शॉप वगैरह है, आप ऊपर जाके खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स लोकेशन भी यहाँ का ट्रैक करेंगे आप सभी, तो आप सभी को यही देखने को मिलेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबको हम दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, तो बहुत से जगह पे यहाँ पे फ्लैग लगाया गया है जो कि आप सभी देख सकते हैं, जिसमें हमारा भी तिरंगा नज़र आ रहा होगा आप सभी को। G20 इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं लगाया गया है बोर्ड। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी काशी को उतार दिया गया, विश्वनाथ मंदिर ये नमो घाट के आगे। बनारस के घाट बनाए गए हैं और नमो घाट का वो स्केपलर बनाया गया है, भगवान शंकर को दर्शाया गया है, G20 बनाया गया यहाँ पे, ये रेत से बनाया गया फ्रेंड्स। और इधर आगे फेज 2 का काम हो रहा है। त्रिखे घाट से फ्रेंड्स इस तरह आएंगे आप सभी, तो आप सभी को गोवर्धन घाट और गोवर्धनधारी मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर कई जगह देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण से संबंधित ये कई चीज़ों को दर्शाया गया दीवारों पे। और यहाँ भी देख सकते हैं त्रिखे घाट से आगे का काम, फेज 2 का काम यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे गड्ढा खोदा गया है। फेज 2 का कितना काम हुआ है आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स ऐसे ही हेल्प करते रहें और वीडियो ज़्यादा देखते रहें। यहाँ देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड नालियाँ हैं ये सब, सीवर। और इधर कितना काम हुआ है आप सभी को दिखा पा रहा हूँ। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये सब काम किया जा रहा है, जो सीवर का काम है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन का वर्क, और सामने देख सकते हैं अलकनंदा कूच। इसमें घूमने तो फ्रेंड्स आप सभी को 900 से 1000 रुपये भी करने पड़ेंगे और आप सभी को सभी घाट घुमाया जाएगा। ये सब कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है यहाँ पे। ऐसा पूरा रास्ता होगा ये आने जाने के लिए, और नीचे भी बहुत सारा वर्क हो रहा है, सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, यानी घाट को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ एक नया घाट आगे भी बन रहा है, आदि केशव घाट तक है। यानी कितना काम हुआ है आप सभी आज के वीडियो में देख पाएंगे। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो लगाई जाएंगी इसी घाट पे, ये गोवर्धन घाट के नाम से जाना जाएगा, पहले से नाम रख दिया गया फ्रेंड्स। और खिड़किया घाट के तर्ज पे ही इसे बनाया जा रहा है, रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अभी भी बहुत टाइम है इसे बनने में, और आगे हेलीपैड भी बनाया जा रहा है जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, यानी अपाची हेलीकॉप्टर भी यहाँ आसानी से उतर सकता है, ऐसा बनाया जा रहा है इसे। और यहाँ पे कुंड बनाया जा रहा है जिसमें मूर्तियाँ रखी जाएंगी और यहाँ पे विसर्जित वगैरह किया जाएगा।
दे सकते हैं, काम स्टार्ट हो गया है, सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे मकान बाथरूम वगैरह पहले से बना दिया गया है। देख सकते हैं धीरे धीरे तैयार हो गया फ्रेंड। ये कुंड बनकर हो गया है तैयार लगभग। और यहाँ पे घास भी लगाया गया है, कई चीजें हैं। इधर ढलाई होना बाकी है, अभी लाइट के लिए अंदर पाइप डाला गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा काम किया जा रहा है, यहाँ पे घास लगाया गया है। ये सब टाइल्स मार्बल लगाए जाएंगे घाटों पे। तो ये सब चुनार और राजस्थान से लाए गए पत्थर हैं, जो कि देख सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। गाड़ियाँ सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ ढेर सारा देख सकते हैं। इधर भी काम हुआ है फ्रेंड्स, पूरा काम ही काम। और इधर मकान बनाया जा रहा है, दुकान बाथरूम सब कुछ इसी में होगा, यानी एक ही में सेपरेट तरीके से लगाया जा रहा है। और ये जो है सामने रास्ता है, और ये मकान बाथरूम वगैरह दुकान बनाया जा रहा है। और ये नाला है जो कि डायरेक्टली पानी सीधे गंगा जी में ही जाता है। यानी बहुत से काम जो हैं अभी बाकी है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वर्क हो रहा है। और आगे हेलीपैड वगैरह बन रहा है तो काफ़ी दूर है। तो काफ़ी चीज़ें बन रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, प्लीज़ सहयोग करें। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।